वैसे तो वर्दी पर दाग लगने की खबरें अक्सर मिलती रहती हैं। कुछ ऐसे भी कार्य वर्दी वाले कर गुजरते हैं जिसकी तारीफ लोग करते नहीं थकते। कुछ ऐसा ही कार्य सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाने में तैनात कांस्टेबल ने किया है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। बताते चले कि डुमरियागंज थाने में तैनात कांस्टेबल जयप्रकाश को गश्त के दौरान रास्ते पर एक लावारिस बैग मिला, जिसमें 25,000 रुपये और कुछ जेवरात थे। काफी मशक्कत के बाद मालिक को खोजबीन करके कांस्टेबल ने उसे मालिक को सुपुर्द कर दिया। मालिक बैग पाकर काफी खुश हुआ और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रहने वाली हैं? डुमरियागंज के रहे, बेवा पर मैजिक पर ही है। अब वही गिरा हुए, अब बाबू पाए। कौन पाया? अब नहीं पाए बाबू, अब नवाना आए जाने था। मैं बेवा ड्यूटी था, ड्यूटी के दौरान वहाँ पर सवारी जहाँ चढ़ते हैं वहीं पर बैग मिला। मुझे बैग ले आया, संपर्क नहीं हो पा रहा था। लाया बैग तो उसमें देखे सामान, तो उसमें मोबाइल नंबर मिला, उससे मैंने संपर्क किया। फिर उनके घर वाले आए तो सामान को सुपुर्द कर दिए। उस बैग में कुछ गहने थे, 25,000 रुपये थे और सब सामान थे, उनको वापस कर दिया गया।